हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपने इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री का जो मैं सीरीज़ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, उस सीरीज़ का ये पहला लेसन है। और इस पहले लेसन में हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल, और ट्राइंगल की आज की जो क्लास रहेगी वो ट्राइंगल के बेसिक्स को क्लियर करते हुए होगी, ठीक है ना। तो पहली क्लास है, बहुत इत्मीनान से धीमे धीमे करके आगे बढ़ेंगे और हर चीज़ को बिल्कुल रूट से समझते हुए कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ चीज़ों को समझेंगे। निश्चित तौर पर इस पूरी सीरीज़ का आप लोग बहुत फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। और आप मैं चाहता भी हूँ कि आप लोग इतना फ़ायदा उठाएं कि आप लोगों को ज्योमेट्री में कहीं दिक्कत ना हो। मैं कनेक्ट रहूँगा आपसे हर मोबाइल के माध्यम से भी, व्हाट्सअप आप मुझे कर सकते हो अपने प्रॉब्लम, कोई नहीं समझ में आ रही कोई बात को, ठीक है ना। तो बात है कि ट्राइंगल की बेसिक्स को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चैप्टर को स्टार्ट कर दिया जाए। अच्छा, जब बेसिक्स की बात आती है, मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से कर लेता हूँ। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि उनका बेसिक्स अच्छा है, ठीक है। तो एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँ, फिर मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है ना। तो जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, तो देखो, जैसे एक छोटा सा सवाल, ठीक है, कि जैसे एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दे दी, कि जैसे 4, 5 और 9 सेंटीमीटर है, ये त्रिभुज किस प्रकार का है। तो आप कहेंगे कि साहब ये तो हमको पता है कि 4 और 5 को जोड़ने पर, 4 और 5 को अगर जोड़ा जाए, छोटी भुजाओं को जोड़ा जाए, तो 9 बनता है। तो 9 तो ये दिया गया है, तो जबकि दो छोटी भुजाओं को जोड़ तीसरी से बड़ा होना चाहिए, या ठीक है, तभी त्रिभुज बनेगा। ये तो त्रिभुज ही नहीं बनेगा। आप तुरंत देखोगे त्रिभुज बन ही नहीं सकता, इस पर टिक लगा दोगे, ऐसे ही करोगे, लेकिन आप गलत हो गए। ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल अस्तित्व में आ चुका है, ट्राइंगल बनेगा। ये ट्राइंगल का नाम होगा डीजनरेट ट्राइंगल। अब आप कहोगे ये क्या चीज़ है, बताओ, दिल पे हाथ रख के बोलना सही बात है कि नहीं। आपको पता है डीजनरेट ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है। ठीक है, ट्राइंगल की जो इक्वलिटी है, इनइक्वलिटी जो आप पढ़ते हो कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए, नहीं, बड़ा और बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। अब आप कहोगे ये हिसाब आपने नई चीज़ क्या बताने लगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप घबराओ नहीं, अब मैं आपको सारी चीज़ों से रूबरू कराऊंगा, ठीक है। हर चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तभी मैं कहता हूँ बेसिक्स आप लोग जानते हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा और पॉलिश कर लो तो अच्छी बात है ना, ठीक है। तो बात है, स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल को, ठीक है ना। तो त्रिभुज होता क्या है, छोटी छोटी बात पे हम लोग छोटी छोटी बात पे भी बात करेंगे, बड़ी बड़ी बात पे भी बात करेंगे, हर चीज़ पे बात करेंगे। देखो, त्रिभुज होता क्या, तीन भुजाओं से निर्मित एक बंद आकृति, अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन। जैसे एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, अगर मैं तीसरी लाइन ये खेल दूँ कि क्या ये ट्राइंगल है, तो आप कहेंगे ये कहाँ ट्राइंगल है, ये क्या है, ये तो त्रिभुज है ही नहीं। तो आप समझ रहे होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। बंद आकृति का मतलब ये होता है कि जब आप एक लाइन ये खींचो, दूसरी लाइन ये खींचो, तीसरी लाइन ये खींचो, इससे मिला दो, तब ये त्रिभुज बनेगा। यानी तीन भुजाओं से निर्मित एक बंद आकृति ही त्रिभुज कहलाती है। अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइंस, ठीक है, इट कॉल ट्राइंगल और ट्राइगोन, विच इज स्मॉलेस्ट पॉलीगन, जो सबसे छोटा बहुभुज होता है उसी को त्रिभुज बोलते हैं। तो त्रिभुज जब पढ़ते हो तो त्रिभुज के बारे में छोटी छोटी बातें आप लोगों को बहुत क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि त्रिभुज का पहला पॉइंट, ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ 180 होता। अब ये क्यों होता, तो ठीक है, अब हम लोग तो इस पर हर चीज़ पर बात करेंगे, ऐसा होता है, क्यों होता है, क्यों नहीं होता, ठीक है ना। तो एक काम करो, मैं आप लोगों को बहुत बेसिक से सारी चीज़ों को समझाने जा रहा हूँ कि ये आप जानते हो कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। नहीं जानते तो भी आप तो देखिए एक मिनट के लिए, और जानते हो तो थोड़ा सा धैर्य बनाइए, आपके लिए भी चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। तो देखो जरा, एक त्रिभुज एक के सभी कोणों का जोड़ 180 होता है, और ऐसा क्यों होता है उसको समझते हैं। मान लीजिए कि एक लाइन मैंने ये खींच ली, ठीक है, मैंने इसी के समानांतर समानांतर एक दूसरी लाइन खींच ली, सही है। समानांतर का मतलब समझ रहे हो कि इन दोनों, ये लाइन, इस लाइन में बहुत सारे बिंदु हैं, इस लाइन में भी बहुत सारे बिंदु हैं, किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने पर जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो कांस्टेंट रहे, यानी समान दूरी रहे। अगर मान लीजिए 5 मीटर का डिस्टेंस है, तो हमेशा 5 मीटर का डिस्टेंस रहेगा। इन लाइनों को कितना भी आगे बढ़ा दो, ये लाइन कभी भी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं जाके, कितनी भी दूरी आगे खींच लो। तो इसी को बोलते हैं समान अंतर रेखाएं, यानी समानांतर रेखाएं, ठीक है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब ये दो लाइंस को जब आपने देखा, तो मैं आपसे ये बात और कहना चाहूंगा कि एक काम करो, दो लाइंस आपने खींच ली, आप एक काम करो, एक तीसरी लाइन को खींच लो। तो आपने कहा ठीक है सर, खींच ली तीसरी लाइन, ये खींच गई तीसरी लाइन,
ठीक है, मैं आपसे बस इतनी बात को कहना चाहूंगा कि जब तीसरी लाइन खींचेंगे तो आपको ये जो लाइन पे कुछ एंगल दिखाई दे रहे होंगे, कौन कौन से एंगल, जैसे कि एंगल ये और ये एंगल ये दिखाई दे रहा है, क्या ये दोनों एंगल बराबर होंगे? मेरे साथ साथ बढ़ते चले जाओ, ठीक है, समझो चीजों को, मेरे साथ साथ पढ़ो, सारी बातों को सीखो, ठीक है ना। मैं कहूंगा ये दोनों एंगल बराबर होंगे क्या, तो आपका मन में आना चाहिए जवाब यस, होंगे बराबर, क्योंकि जितना ये इसका इसका स्लोप है उतना ही इस लाइन का स्लोप है। स्लोप का मतलब समझ रहे हो, स्लोप का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए इस लाइन को जितना मैं यहाँ पे झुकाऊं, तो जितना अगर मैं ये झुकाऊंगा तो आप कहेंगे ये जो एंगल है जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये बनेगा। तो इस लाइन को जब आप देख पा रहे हो कि जितना मैं इस लाइन को उठाऊंगा उतना ही नीचे वाली लाइन का भी एंगल उठेगा, क्योंकि दोनों समांतर रेखाएं, मेरी बात समझ पाए? तो आपने ये समझा कि ये दोनों एंगल होंगे बराबर। मान लीजिए कि इस एंगल को मैंने बोल दिया, ये एंगल है मान लीजिए एक्स, तो ये भी एंगल एक्स होगा, कोई शक ही नहीं इसमें, सही है। अब मैंने आपसे एक बात और की, कि ऐसी ही एक और लाइन मैंने खींची यहां पर, तो जो काम x के साथ है क्या वही काम अगर मैं जो काम जो एंगल x जो है पहली लाइन के साथ बना, क्या वैसे ही एंगल ये बनेगा क्या? तो आप कहेंगे यस, ये एंगल मान लीजिए y है तो सेम एंगल ये बनेगा y, कोई दिक्कत है क्या किसी को इसमें? नहीं, ठीक है। अब एक छोटी सी बात यह है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये बनता है ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा क्या? तो आप कहेंगे यस होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, यहां से इन दोनों के शीर्ष जहां पर टकराते हैं वो दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप कहेंगे ये कहां दिख रहा है, तो मैं कहूंगा कि ये एंगल देखो ये दिख रहा है क्या? तो आप कहेंगे मान लीजिए इस एंगल को जेड बोलना है तो ये एंगल को मान लीजिए जेड बोल दिया मैंने, कोई दिक्कत है यहां पर? नहीं। तो मैं आप लोगों से जब ये बोलता हूँ कि बताइए कि अगर मैं कोई सीधी रेखा लेता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितने डिग्री का होता है? तो आप सभी लोग ये जानते होंगे कि स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल 180 डिग्री का होता है। अब मैं पूछता हूँ कि यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन कहाँ दिखाई दे रही है, तो आप कहेंगे ये सब स्ट्रेट लाइन ही तो है। तो मैंने कहा स्ट्रेट लाइन पर आपको क्या 180 दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे 180 नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन स्ट्रेट लाइन पर मुझे एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिखाई दे रहा है। मैंने कहा इसका जोड़ क्या होता? तो आपने कहा स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल 180 डिग्री होता। मैंने कहा x प्लस वाई प्लस जेड और कहीं आपको दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे यस दिखाई दे रहा है। अब कहाँ दिखाई दे रहा है? तो ये रहा x, ये रहा y और ये रहा z। यानी यहां पर देखा, अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, ये बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा होगा। मान लीजिए ये है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो ए बी सी के अंदर आपको ये कुछ एंगल दिखाई दे रहे हैं, त्रिभुज ये क्लियर दिख रहा है, ए बी सी यहां पर त्रिभुज ए बी सी की मैं बात कर रहा हूं। क्या आप इस त्रिभुज के अंदर इस x प्लस वाई प्लस जेड को देख पा रहे हो? तो आपने कहा बिल्कुल देख पा रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, तो यही तो लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड, इसका जोड़ क्या है 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, वो क्यों होता है, उसका कारण आपको समझ में आया। अगर मैं सारी लाइन को साफ कर देता हूं तो मुझे ए बी सी त्रिभुज दिखाई देगा और x प्लस वाई प्लस जेड दिखाई देंगे, जिसका जोड़ मुझे 180 दिखाई देगा। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? बहुत क्लियर तरीके से हम लोगों ने समझा कि त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ 180 होता है, क्यों होता है। अब जब एंगल की बात आ रही है तो त्रिभुज के हम बेसिक्स को पढ़ रहे हैं, तो छोटी सी बात यहां पर और समझिए कि अगर कोई त्रिभुज आप खींचते हो, कोई से त्रिभुज आप खींचते हो, जैसे कि ये एक त्रिभुज आपने खींचा, अब इस त्रिभुज के अंदर मुझे बताओ ये जो एंगल है ये अंदर बनने वाले, अभी आपने देखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड ये इंटीरियर एंगल बोले जाते हैं, अंदर बनने वाले कोण अंतः कोण है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका बाह्य कोण कहां है, जैसे ये लिखा है ना कि त्रिभुज का बाह्य कोण बराबर विपरीत आंतरिक कोणों का योग, ये आपने पढ़ा होगा, रट्टा मारा, रट्टा नहीं मारना, हर चीज को समझना क्यों होता है, तो समझो जरा। तो ये हो गए इसके आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल। आप कहेंगे कि बाह्य कोण कहां है, तो बाह्य कोण का मतलब ही है एक्सटीरियर का मतलब ही है कि बाहर बनने वाला, बाहर एंगल बनता कैसे है। तो त्रिभुज के जो तीन कोण, तीन शीर्ष होते हैं, जैसे कि ए बी सी, ये तीन शीर्ष हैं, किसी भी एक शीर्ष को पकड़ लीजिए, मान लीजिए सी को पकड़ लेता हूं मैं, ये लाइन जैसे ही जा रही थी उसी लाइन को सीधे आगे स्ट्रेट वे में बढ़ा देता हूं, ठीक है। तो ये एक ये लाइन, ये वाली जो रेखा है ए सी, वो ये एंगल बना रही है, ए सी इस लाइन के साथ ये वाला एंगल बना रही है, तो ये हो गया आपके पास एक्सटीरियर एंगल। क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल।
और ये क्या था, इंटीरियर। अंदर बन रहा है इंटीरियर, बाहर बन रहा है एक्सटीरियर, समझे बात को। ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर, बाहर बन रहा है। कोई सी भी लाइन अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूँ तो ये एक्सटीरियर है, इसको आगे बढ़ा दूँ तो ये एक्सटीरियर है, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल होता क्या है। अब ये बोला जाता है त्रिभुज के अंदर कि त्रिभुज का बाह्य कोण बराबर होता है विपरीत आंतरिक कोणों का जोड़। तो ऐसा क्यों होता है, एक मिनट के लिए मैं कुछ चीज़ विजुलाइज कराता हूँ आपको, ठीक है, रट्टा नहीं मरवाऊंगा ना कुछ प्रूफ करवाऊंगा, विजुलाइज कराऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से मेरी बात को समझो, मान लीजिए कि एक लाइन मैंने ये खींची, ठीक है, मैं त्रिभुज बनाना चाह रहा हूं। अब मैंने एक दूसरी लाइन ये खींची और तीसरी लाइन ये खींची, ठीक है, इस लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया। आपने कहा ठीक है सर, बढ़ा दिया तो अच्छी बात है। हमने कहा ठीक है, बढ़ा तो दिया, मुझे एक्सटीरियर एंगल की बात करनी भैया, एक्सटीरियर एंगल मुझे दिखाना पड़ेगा। तो एक्सटीरियर एंगल के लिए मैंने कहा एक्सटीरियर यानी बाह्य कोण क्या बना, तो आपने कहा ये बना, ठीक है। अब बात यो लिखा है ना, त्रिभुज के बाह्य कोण बराबर विपरीत आंतरिक कोणों का जोड़। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी पॉइंट था और ये डी पॉइंट है, ठीक है। ये बोल रहा है कि वाहे कोण बराबर विपरीत आंतरिक, अब इसका विपरीत कौन सा है, एंगल ए है और एंगल बी है, यानी ये जो एंगल है वो ए प्लस बी के बराबर होगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको विजुलाइज कराऊंगा क्लियरिटी से, आपको ए प्लस बी इधर नजर आएंगे, वो कैसे नजर आएंगे तो समझो जरा, देखो जरा, एक मिनट की बात है, एक मिनट की बात है, समझो। देखो ये जो लाइन थी ना, इसी के पैरेलल लाइन मैंने ये उठाई, पैरेलल समानांतर, सही है, समान, इसके समानांतर, समानांतर पे एक लाइन यहां पे रख दी आके। अब एक चीज देखना, बड़ा गौर से देखना, बहुत इत्मीनान से, आराम से जो मैं बोल रहा हूं, मुझे ये बताओ कि जितना एंगल ये है इसी के समांतर ये रेखा थी, क्या उतना ही एंगल ये रहेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल रहेगा। तो मैंने कहा ये एंगल क्या रहेगा, तो आपने कहा जितना ये है, मान लीजिए एंगल बी है, तो आपने कहा ये एंगल भी बी रहेगा, सही है बात। और एक चीज मैं कहता हूं कि जितना एंगल, क्योंकि ये लाइन इसके समानांतर है और ये है बीच में एक ट्रांसवर्सल तिरछी रेखा, कभी भी दो समांतर रेखाएं हो और एक तिरछी रेखा जब आप खींचते हो तो आप कहोगे ये वाला जो एंगल होता है वो इस एंगल के बराबर होता है, क्योंकि जितना कोण ये है उतना तो ये रहेगा और जितना ये है उतना ही ये हो जाता है, और जितना ये है ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, अर्थात ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। तो सेम चीज़ ये है, ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं, ये एक तिरछी रेखा इसमें खींची गई, जितना एंगल ये है क्या उतना ही एंगल ये रहेगा, तो आपने कहा रहेगा। तो क्या आपको ये चीज़ दिखाई दी यहाँ पर कि ए प्लस बी का टोटल ये दिख रहा है, तो बाह्य कोण बराबर विपरीत आंतरिक कोणों का जोड़ ये होता है, ये हमने यहाँ पर बड़ी आसानी से विजुलाइज किया। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ क्या, बहुत अच्छी तरह से समझ में आया, ठीक है, ठीक है। तो बात ये कि ज्योमेट्री को देखना पड़ेगा आपको, आपको हर फिगर में उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, फिगर्स आपको बनाने पड़ेंगे, कभी कभी फिगर मिसिंग होगा, आपको समझना पड़ेगा, तो हर चीज़ को ये ऑब्जर्वेशन से चीज़ों आपकी मजबूत बनेगी, ठीक है, रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए ज्योमेट्री में, ठीक है ना। तो समझिए सारी चीज़ को, इसलिए हर चीज़ को जैसे लेके चल रहा हूँ मैं, बहुत धीरे धीरे छोटी छोटी बात से स्टार्ट तो कीजिए चीज़ें, देखिए तो अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं इस यूट्यूब पर, ठीक है, देखो कितना मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, कितना पढ़ना चाहिए कितना छोड़ना चाहिए सब पे बात होगी, आपका पेपर में एग्जामिनेशन में एक एक सवाल होगा, ठीक है, ध्यान से सुनो। क्लियर हुआ ये पॉइंट बहुत अच्छी तरह से। अब एक चीज़ बताओ, एक ये तो मैंने ये प्रूफ दिखाया आपको, मैं इसको साफ करता हूँ एक मिनट के लिए। अभी मैंने बताया कि ज्योमेट्री दिखाई देना चाहिए, ठीक है, दिखाई देना चाहिए, तो कभी कभी क्या होगा, फिगर इनकम्प्लीट होंगे, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। एक छोटी सी बात से मैं आपको समझाता हूँ इस पॉइंट को भी, ठीक है। तो अभी जो बात बताई गई वो बहुत क्लियर है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात मैं यहीं पे आप लोगों से पूछूं कि एक बात बताओ कि जैसे कि एक त्रिभुज है, ठीक है ना, मान लीजिए कि ए बी सी एक त्रिभुज है, मान लीजिए कि ये 50 डिग्री का एंगल है,
और ये मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल है, और मैं आपसे पूछूं कि ये बाहर एक, मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, मैंने कहा ये बाह्य कोण क्या है, तो अभी आप लोगों ने जान लिया कि बाह्य कोण बराबर विपरीत आंतरिक कोणों का जोड़ होता है, 50 और 60 को जोड़ोगे और यहाँ लिख दोगे 110, ये अभी हमने समझ लिया। लेकिन इसको एक और नज़रिए से देखिए, देखिए होता क्या है कि अगर ये 50 है और ये 60 है, ठीक है, ये 50 है 60 है, ये एंगल क्या निकलेगा, तो आप कहेंगे ये एंगल निकलेगा 180 में से 50 और 60 को जोड़ के, यानी 110 को घटा दीजिए, 70 बचेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, 180 में से 50 और 60 का जोड़ 110 को घटाइए तो 70 आएगा। मैंने कहा ठीक, अब वाह्य कोण आप जानते हो बनता कैसे कि सीधे जैसी ये लाइन पड़ी थी वैसे ही आपने आगे बढ़ा दिया, तो ये एक बन गई स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल 180 डिग्री होता है, 180 में से दोबारा 70 को घटाइए तो आपके पास 110 आएगा। तो 110 आप दोनों तरीके से देख पा रहे हो, इन दोनों का जोड़ जो है वो 110 है, या 50 और 60 को जोड़कर 180 में से घटाइए 70 आएगा, फिर 180 में से फिर 70 घटाइए 110 आएगा। तो ये एक्चुअल में बन कैसे रहा है, आपने 180 में से इन दोनों का जोड़ घटाया तो आपके पास ये आया, फिर आपने दोबारा से 180 में से इसको घटाया तो ये आया, तो आप कर क्या रहे हो एक्चुअल में, 180 में से पहले इन दोनों का जोड़ घटा रहे हो फिर ये आ रहा है, फिर इसको 180 में से घटा रहे हो फिर ये आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है वो इन दोनों का जोड़ ही है ना, तो 180 का पिक्चर ही क्लियर खत्म कर दो, 180 में से घटाया 70 आया, फिर देखो 180 में से 50 और 60 के जोड़ा घटाया, 50 और 60 के जोड़ को जब घटाओगे तो फिर वापस 70 आएगा, फिर 70 को 180 में से घटाओगे तो वापस जोड़ आ जाएगा ना भाई, ठीक है ना। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, इसीलिए इन दोनों का जोड़ जो होता है वो ये होता है, सही है, समझ गए, ठीक है, दोनों बातें ठीक। जैसे अब मैं कहूँ कि इस अब वाह्य कोण यहाँ पर कहाँ बनेगा, तो आप कहेंगे ये वाला वाह्य कोण है, ये वाह्य कोण कितना होगा, तो आप कहेंगे 50 70 और 60 का जोड़ 130 है, तो इन दोनों का जोड़ 130 में लिखूँ या मैं 180 में से 50 को घटा दूँ तो भी 130 है, दोनों बातें हैं। इन दोनों का जोड़ जो है वो कितना है, 120 है, ये मैं यहां लिख दूं या 180 में 60 घटा दूं तो 120 आएगा, एक ही बात है। तो छोटी सी बात है, समझ में आ गई। देखो ज्योमेट्री क्या है, ऑब्जर्वेशन। देखो एक चीज है, ये मत समझना कि कभी कि मैं छोटी चीज को या बड़ी चीज जो भी है, जो भी मैं कोई प्रूफ कराऊंगा तो हो सकता है उसको एक तरीका ऐसे देखो, इसको ऐसे देखो, फिर इसको इस तरह से भी देखो, ये केवल और केवल ये है बताने का कारण ये होता है कि आप ऑब्जर्व कर पाओ चीजों को। अब देखो क्योंकि ज्योमेट्री ऑब्जर्वेशन का ही सब्जेक्ट है, ठीक है, ये वाह्य कोण देखने में बहुत छोटी चीज है, लेकिन इस पे देखो कितने जबरदस्त कंसेप्ट बनेंगे, कितने जबरदस्त क्वेश्चन बनेंगे, आप पकड़ ही नहीं पाओगे कहाँ वाह्य कोण बन रहा है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल यही दे देता हूं मैं, जब हम सवाल करेंगे तो बाद की बात करेंगे, आगे बात करेंगे। मान लीजिए कि जैसे कि देखो एक मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने बना दिया, चलो ठीक है, मान लीजिए कि ये 50 डिग्री का एंगल है, ये 70 डिग्री का एंगल है, ये मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल है, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये एक्स है ये कितना है। अब आप कहोगे तो ट्राइंगल ही नहीं है, अभी पूरा ऐसे जो जितने भी सवाल रहेंगे ना हम लोग आगे करेंगे प्रैक्टिस में, ये सब क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल का गेम है और कुछ नहीं। जैसे कि ये अभी आप कहोगे सर ये ट्राइंगल बता रहे थे ये क्या है, तो ये ट्राइंगल ही है लेकिन इनकम्प्लीट है, तो ऐसे फिगर को आपको कम्प्लीट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं इसको इससे जोड़ दूँ तो ये ट्राइंगल पूरा नज़र आ गया, सही ना भाई। अब मैं पूछूं ये वाला एंगल क्या है, इतना एंगल, तो आप क्या कहोगे 50 और 70 को जोड़ो 120 होगा, ये एंगल 120 होगा। फिर मैं कहूंगा अच्छा आप इस वाले ट्राइंगल को देखो, पूरा ट्राइंगल है क्या, जिसमें ये एंगल 120 है और ये एंगल 30 है, तो इन दोनों का जोड़ ये x होगा, तो x क्या होगा 120 प्लस 30 150, ठीक है। तो अभी घबराना नहीं, अगर कोई बच्चा तो कहेगा ये क्या अभी सवाल करने लगे, ठीक है, तो ऐसा मत घबरा कि हम लोग बहुत चीज़ों को समझेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अभी करेंगे। तो आप बात एक छोटी सी बात मैंने आपको सिखाई यहाँ पर, मतलब एक्सटीरियर एंगल का बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है, ठीक है। ऐसा ऐसे सवाल आते हैं जहाँ पे हम लोग पकड़ भी नहीं पाते एक्सटीरियर एंगल कहाँ, एक्सटीरियर एंगल का ही पूरे गेम से बहुत बड़े बड़े सवाल हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग सब पे चर्चा करेंगे, उसकी चिंता मत करो, लेकिन अभी चीज़ों को समझो, ऑब्जर्व करो, छोटी चीज़ों को अच्छी तरह से समझो, ठीक है, ठीक है ना भाई। अब देखो अब आ रहे हैं हम ट्राइंगल
के निर्मित होने के शर्त, यानी त्रिभुज के फॉर्मेशन की क्या शर्तें हैं, ठीक है, त्रिभुज बनता कैसे है, ठीक है, क्या ज़रूरत है उसके लिए। तो कुछ दो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, पॉइंट्स को एक मिनट के लिए छोड़ दीजिए, मैं आपसे कुछ जनरल ऐसी बात पूछता हूँ कि मान लीजिए आपको पता है कि त्रिभुज बनता है तीन भुजाओं से, आपने कहा यहाँ बनता तीन भुजाओं से, मैंने कहा एक काम करो मैंने आपको कुछ साइड देता हूँ, मैंने देता हूँ 2 सेंटीमीटर की एक साइड, दूसरी 4 सेंटीमीटर की एक साइड और तीसरी 1 7 सेंटीमीटर की साइड देता हूँ, मैंने कहता हूँ कि आप इसे ट्राइंगल बनाइए पहले, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इन साइड्स को लेकर 7 सेंटीमीटर की साइड आपने ऐसे बिछा दी, ठीक है, फिर आप 4 सेंटीमीटर की साइड यहां पर रखेंगे, कुछ ऐसी गिरेगी आके, 2 सेंटीमीटर की आपने यहां रखेंगे, मैंने कहा ट्रायंगल बनेगा कैसे, तो आप जानते हो त्रिभुज तभी बनेगा जब एक बंद आकृति बन पाएगी, और बंद आकृति तभी बनेगी जब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में मिलेंगे, और मिलान के लिए जरूरी है कि इन दोनों लाइन को आपस में मिलाया जाए, मिलाने के लिए जरूरी है कि इनको झुकाया जाए, तो 4 सेंटीमीटर को आप झुकाओगे जैसे कि यहां पर नीचे गया, 2 सेंटीमीटर झुकाओगे नीचे गया, क्या ये दोनों लाइन आपस में कभी मिल पाएंगी, 7 सेंटीमीटर की दूरी पर ये लाइन रखी है, एक 4 सेंटीमीटर की, एक 2 सेंटीमीटर की, आप इसको झुकाने मिलाने के लिए झुकाते गए झुकाते गए झुकाते गए, लेकिन आपने ये देखा कि 4 सेंटीमीटर पूरा झुक के इस लाइन के ऊपर भी आ गया, ये बन गया 4 सेंटीमीटर, ये रहेगी 4, और ये पूरी यहां पर इस लाइन पे भी आ गई, ये 2 सेंटीमीटर रह गई, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में गैप रहा, ये मिल ही नहीं पाए, और इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी है ही नहीं, आपने बिल्कुल झुका के तीसरी लाइन के ऊपर रख दिया, लेकिन फिर भी गैप रहा इन दोनों के बीच में, मिल नहीं पाए, क्योंकि आप देखा ये पूरा 7 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर आगे बढ़ पाया, ये 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ पाया, अर्थात कुल मिला के 6 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का गैप फिर भी रह गया, मिल ही नहीं पाए, ठीक है। अब मैं आपसे कहा, आपने कहा ये त्रिभुज नहीं बना साहब, मैंने कहा एक काम करो ये 3 सेंटीमीटर की एक लाइन लो और 4 सेंटीमीटर की एक लाइन लो और 7 सेंटीमीटर की एक लाइन लो, अब बनाओ जाके त्रिभुज। तो आपने कहा बिल्कुल ट्राई करते हैं, आपने 7 सेंटीमीटर फिर खींचा, 4 सेंटीमीटर ये रखा, 3 सेंटीमीटर यहां से ले गए, ठीक है, आपने इन दोनों को मिलाया, मिलाने के क्रम में होगा क्या, इसको थोड़ा छोटा कर दें देख समझने के लिए, मिलाने के क्रम में होगा क्या, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, आपने इसको झुकाते गए झुकाते गए झुकाते गए झुकाते गए झुकाते गए झुकाते गए झुकाते गए, लेकिन इस पॉइंट पर ले आए, 3 पर 4 को झुकाते गए इस पॉइंट पर ले आए, आपने ये देखा 3 और 4 7 पूरा 4 सेंटीमीटर ये रहा, ये और यहां से देखा तो 3 सेंटीमीटर ये आके और इस जगह पर ही मिल गए, यानी एक स्ट्रेट लाइन पर मिल गए आके, और जब ये मिले 3 और 7 का जो जोड़ है वो 3 और 4 का जोड़ 7 के बराबर हो गया, झुकाते गए झुकाते गए झुकाते गए, लेकिन कहां मिले जाके, एक स्ट्रेट लाइन पर मिले, जब ये लाइन स्ट्रेट मिल तो गए ये दोनों पॉइंट, हमको ये जरूरी था ये दोनों पॉइंट मिल जाएं, मिल जाएंगे तो हम जानते हैं कि त्रिभुज बन जाएगा, लेकिन ये मिले कहां जाके, ये मिले तो कुछ ऐसी आकृति बन गई, एक सीधी रेखा बन गई, मेरी बात समझे, जैसे कि 3 सेंटीमीटर की 4 7 सेंटीमीटर की एक लाइन पड़ी हुई थी, उसके ऊपर 4 सेंटीमीटर ही आया इधर से, और उधर से मान लीजिए 3 सेंटीमीटर ही आया और मिल गए, मिलने के बाद आपने देखा बना तो एक स्ट्रेट लाइन एक सीधी रेखा, लेकिन अभी हम लोगों ने एक चीज को पकड़ा था कि त्रिभुज के ऊपर वाले जो मिलाने की कंडीशन, ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे तो त्रिभुज बन जाएगा, तो अब क्या ये त्रिभुज है, मिलाने की तो बात थी मिल तो गए लेकिन एक स्ट्रेट लाइन पर मिले, क्या ये त्रिभुज है, तो जी हां, यहां त्रिभुज अस्तित्व में आ जाता है, एक छोटा सा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि यह त्रिभुज है लेकिन यह डी जनरेट ट्राइंगल है, इसका स्पेशल नाम है डी जनरेट ट्राइंगल, ठीक है ठीक है। हम लोग प्रायः नॉन डी जनरेट ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं, प्रायः क्या 100% नॉन डी जनरेट ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि त्रिभुज अस्तित्व में आ जाता है भले ही वो स्ट्रेट लाइन बनाए, ठीक है, कंडीशन ये है तो दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले जो कि यहां पे बन रही है, ठीक है, ये डी जनरेट ट्राइंगल है, ठीक है ना, ठीक है। अब डी जनरेट ट्राइंगल क्या होता है अभी मैं उस पर बात करूंगा, ठीक है, लेकिन पहले मैं इसको कंप्लीट कर दूं इस सेक्शन को। देखो अब जो त्रिभुज हम लोग पढ़ते हैं वो कैसे बनेगा, जैसे 3, मैंने कहा एक काम करो इसको 4 सेंटीमीटर ले लो, अब इसको 5 सेंटीमीटर ले लो और 7 सेंटीमीटर ले लो, अब बनाओ जाके एक त्रिभुज। तो आपने कहा अब तो मेरे मुझे पूरी बात समझ में आ गई कि 7 सेंटीमीटर ये है, 5 सेंटीमीटर मैं ये लूँगा, 4 सेंटीमीटर मैं इधर से खींचूँगा
और इनको जब मैं मिलाने के लिए झुकाऊंगा तो निश्चित तौर पर ये त्रिभुज के कहीं ऊपर ही मिल जाए, मतलब इस लाइन पे नहीं, इस लाइन से ऊपर ही मिल जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का जोड़ इससे ज़्यादा आ रहा है, तो ये कहीं ऐसे कहीं मिल जाएंगे और ये त्रिभुज फॉर्म्ड हो जाएगा, बन जाएगा निश्चित तौर पर। आपको पूरी कहानी समझ में आ गई, त्रिभुज देखो 7 सेंटीमीटर बेस पर पड़ा था, इधर 5 आया, इधर 4 आया, झुकाते झुकाते गए, अब 5 और 7 का जो 5 और 4 का जोड़ तो 7 से ज़्यादा है, तो ऊपर ही कहीं मिल जाएंगे 7 के ऊपर। तो पूरा एक त्रिभुज जो त्रिभुज हमको चाहिए, ठीक है, वो हम हमारे पास आ जाता है, एक त्रिभुज ट्राइंगल, एक रियल ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, एक नॉन, इसको नॉन डिजेनरेट ट्राइंगल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा त्रिभुज बना कब, क्या इस कंडीशन में त्रिभुज बना, नहीं बना, इसमें बना, बना, लेकिन इसको स्पेशल केस में डिजेनरेट बोलते हैं। अब आ जाओ इस केस में बना, यस, ये बिल्कुल क्लियर ट्राइंगल बना यहाँ पर, ठीक है। तीन कंडीशन है, आपने समझी, पहले में बना ही नहीं, दूसरे में डीजनरेट, और तीसरे में क्लियर तरीके से ट्राइंगल नजर आया, जो कि रियल ट्राइंगल है, इसको नॉन डीजनरेट ट्राइंगल भी बोलते हैं। पहले मैं इसको समझा देता हूँ, एक्चुअल में डीजनरेट ट्राइंगल क्या है। एक्चुअल में जो डीजनरेट जो ट्राइंगल है उसका मतलब क्या होता है, तो अभी हमने यहाँ पर देखो क्या लिखा, अ डीजनरेट ट्राइंगल हैज ऑल थ्री ऑफ इट्स वर्टेक्स लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही रेखा पर अगर दोनों बिंदु, दोनों रेखाएं आकर मिलती हैं, बाकी की दो रेखाएं एक स्ट्रेट लाइन बना दे, फॉर्म कर देती हैं, तो ऐसा जो ट्राइंगल है वो डीजनरेट ट्राइंगल होता है, जैसे कि ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही थी यहाँ पर, ठीक है ना, ठीक है। और हिंदी में भी लिखा है, एक त्रिभुज जिसके सभी शीर्ष एक ही रेखा पर स्थित हों, ऐसा जो त्रिभुज होता है वो डीजनरेट होता है। बेसिकली हुआ है क्या मतलब, और मैंने एक पिक्चर भी यहाँ पर लगाई हुई है आप लोगों को क्लियर थोड़ा सा कंसेप्ट बताने के लिए। देखो ट्राइंगल बन तो गया, ट्राइंगल अस्तित्व में आया, लेकिन वो डीजनरेट है। डीजनरेट का मतलब ही यही है, जैसे मैं डीजनरेट की बात करूँ, डीजनरेट का मतलब होता है, जैसे मैंने एक पिक्चर लगाया ये मुन्ना भाई MBBS का, ठीक है, इसमें जो आनंद भाई हैं, ये क्या है, ही कांट स्पीक हियर अंडरस्टैंड और फीलिंग एनीथिंग, ठीक है ना। वैसे ही एक ट्राइंगल जो कि बन तो गया लेकिन एक ऐसी इस कंडीशन में पड़ा हुआ है, ठीक है, ट्राइंगल अस्तित्व में तो आया लेकिन ऐसी कंडीशन में पड़ा हुआ, ना तो उसका एरिया है, नो एरिया, जब एरिया ही नहीं है, कोई क्षेत्र ही नहीं है, ये क्षेत्र ही गायब है। ट्राइंगल तो तभी बनता है ना जब कोई क्षेत्र होता है, तो एरिया होता है, जब कोई एरिया ही नहीं है तो कोई क्षेत्र नहीं है, तो इसमें कोई सेंटर नहीं होगा, निश्चित तौर पर नो सेंट्रोइड, नो सरकम सेंटर, कोई सेंटर ही नहीं इसके अंदर, सरकम सेंटर इन सेंटर सब नदारत होंगे यहाँ से, ठीक है। तो बात यह है, तो इस प्रकार का त्रिभुज अस्तित्व में आया, लेकिन इसी प्रकार के त्रिभुज को बोलते हैं, ये है हमारे किसी काम का नहीं, ना तो उसमें क्षेत्रफल है, ना कुछ कर सकते हैं इसका, ठीक है, इस वजह से इसको डीजनरेट ट्राइंगल बोल सकते हैं। जैसा कि ये मानव, ये अस्तित्व में तो है लेकिन ना कुछ, ये कुछ भी नहीं कर सकता, ही कांट स्पीक हियर अंडरस्टैंड एनीथिंग एल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है डीजनरेट ट्राइंगल की डेफिनेशन, आप समझ पाए। तो बात ये है, ये मैंने क्यों बताया कि स्पेशल अगर कहीं आपसे ऐसा सवाल पूछ दिया जाए, अ साइड ऑफ ट्राइंगल आर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर ट्राइंगल इज, तो आप देखो यहाँ पर 4 और 5 को जोड़ने पर 9 के बराबर आ रहा है, दो भुजाओं को जोड़ तीसरे इसके बराबर आ रहा है, और पहली में दिया है ट्राइंगल नॉट पॉसिबल, आपसे में से अधिकतम बच्चे इसको टिक लगा देंगे, लेकिन नहीं, इसमें चौथे ऑप्शन में देखिए डीजनरेट ट्राइंगल दिया गया, आपको इस पर टिक लगाना है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैं आगे बढ़ूँ और वापस चलते हैं उस जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए थे, इनको समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला पॉइंट, ये क्या है, तो हमने देखा कि ट्राइंगल जो बना वो तीसरी कंडीशन में नॉन डीजनरेट ट्राइंगल, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, रियल ट्राइंगल वास्तविक अस्तित्व का ट्राइंगल यही होता है, बाकी इनसे और इससे नहीं बन पा रहा। हम लोग जनरली किताबों में ये पढ़ते हैं, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, जब ये होता है तो त्रिभुज बनता है, जो कि आप इस प्रकार इसमें देखो, यहाँ पर 4 और 5 को जोड़ा, 7 से बड़ा आया, बन गया त्रिभुज, इन दोनों को जोड़ा, इससे बढ़ाया, बन जाएगा त्रिभुज, इन दोनों को जोड़ा, इससे बढ़ाया, तो बन जाएगा त्रिभुज। यानी ये जो पहली लाइन जो लिखी गई है, त्रिभुज के बनने की कंडीशन क्या है, कि त्रिभुज तभी बनेगा जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा मेरे हिसाब से संशोधन करने की जरूरत होती है, वो ये होती है, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये इक्वल टू क्यों बताया, क्योंकि मैंने एक आपको स्पेशल चीज बताई यहां पर, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा या बराबर, बराबर की क्या बात है, कि बराबर केवल एक कंडीशन है, बराबर की केवल एक कंडीशन है डीजनरेट ट्राइंगल की, बस
ठीक है ना, बराबर कंडीशन केवल ये है डीजेनरेट ट्राइंगल की, लेकिन ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी का जब चैप्टर आप पढ़ते हो तो आप जब बोलोगे कि दो भुजा को योग तीसरी भुजा से बड़ा या बराबर होना चाहिए, तो बराबर पे भी ट्राइंगल अस्तित्व में आता है, ये बात आप भी हमने सीखी। और अगर कोई डीजेनरेट की स्पेशल बात पूछ रहा है तो हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो खैर, जो रियल ट्राइंगल और जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं वो नॉन डीजेनरेट ट्राइंगल ही पढ़ते हैं, तो इसी वजह से हम लोग, आप लिखना चाहो तो यहाँ लिखो सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, वो बात जो यहाँ पर लिखी गई ये बिल्कुल सही बात है, आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है ना। और मैंने आपको क्लियर तरीके से, बहुत क्लियर तरीके से बताया, कभी इसमें गलत कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना दिमाग में। बराबर की केवल और केवल एक कंडीशन है कि एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, एक सीधी रेखा में तीनों लाइन्स आ जाएंगी और वो कंडीशन में ट्राइंगल अस्तित्व में आएगा, लेकिन वो डीजेनरेट ट्राइंगल होगा, उसका एरिया वीरिया कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन उस पर्टिकुलर ट्राइंगल को कुछ नाम होता है, उसको डीजेनरेट ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है, सही है। तो ये जो बराबर में आया ये डीजेनरेट की कंडीशन, इसमें तो ट्राइंगल बनेगा नहीं, ठीक है। ये डीजेनरेट ट्राइंगल, ये है आपका रियल ट्राइंगल जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये कब बना, जब आपने देखा कि जैसे इसी एग्जांपल को ले लें, सात जैसे आपने नीचे बिछाया था, बनने की पूरी फॉर्मेशन को आपने पढ़ा, सात को जमीन पर बिछाया, फिर पांच ऊपर रखा, चार इधर रखा, फिर झुकाते गए झुकाते गए, क्योंकि हम जानते हैं कि पांच और चार का जो जोड़ है, ये जो पांच है और चार का जो जोड़ है वो सात से ज्यादा है, तो निश्चित तौर पर सात के ऊपर ही कहीं मिल जाएंगे तो त्रिभुज बन जाएगा। तो हमने ये देखा कि दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से ज्यादा बड़ा होना चाहिए तो त्रिभुज बन जाएगा। इसके अलावा इसके साथ साथ एक और बात चलती है, वो ये है कि दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए और दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होना चाहिए, ये भी बात है। इसी एग्जाम्पल को ले लो, जैसे बना कब था, जैसे सात चार, जैसे चार और पांच के केस में त्रिभुज बन गया था, तो दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, त्रिभुज बन जाएगा। आप देखो कैसे, आप इन दोनों का अंतर देखो, देखो जोड़ तो है इन दोनों का इससे बड़ा, ठीक है, इन दोनों का इससे बड़ा और इन दोनों का इससे बड़ा, कोई भी दो भुजा जोड़ो तीसरी भुजा से बड़ी आ रही है, त्रिभुज बन गया। और साथ साथ दो भुजाओं का अंतर की बात कर लो, अंतर की बात करोगे इन दोनों का अंतर क्या, एक तीसरी से कम है यानी सात से कम है, इन दोनों का अंतर क्या, तीन, क्या अंतर, तीन, तीन पांच से कम है, इन दोनों का अंतर क्या, दो, दो चार से कम है, दो भुजाओं का अंतर भी तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। तो कंडीशन क्या है नॉन डीजेनरेट ट्राइंगल बनने की या रियल ट्राइंगल बनने की, ठीक है, तो क्या है, दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए और दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। क्या बोला, दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए और दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। आई होप ये पूरी बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। मैं आगे बढ़ता हूँ और इस पर हमने बात कर ली। चलिए बताइए, क्या ये त्रिभुज बनेगा, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, ये त्रिभुज किस प्रकार का है, कुछ नाम लिखे, क्या बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें चौथा ऑप्शन है नॉट पॉसिबल, तो आप देखो जरा क्या ये बनेगा। तो आपने कहा तीन और चार को जोड़ा तो सात आया, सात जो है वो नौ से छोटा रह गया, तीसरी भुजा से छोटा रह गया, जबकि जोड़ जो है वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए तभी त्रिभुज बनेगा, ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं, इसका आंसर क्या हो गया, ट्राइंगल नॉट पॉसिबल। बाकी सोचने की जरूरत नहीं, कोई से भी साइड लो यार, अपने मन से करके देखना, कुछ भी नंबर ले लो, मैंने ले लिए 7, 9 और 15, क्या ये त्रिभुज बनेगा, आपने कहा इन दोनों का जोड़ देखा कितना आया 16, 15 से बड़ा बन गया, मैंने कहा बोलो 8 है 15, 8 है 5 है, 8 है 5 है 10 है, क्या ये त्रिभुज बनेगा, आपने देखा इन दोनों का जोड़ इससे बड़ा है त्रिभुज बन जाएगा, मैंने कहा 4 है 5 है 10 है, क्या ये त्रिभुज बनेगा, तो आपने कहा इन दोनों का जोड़ इससे छोटा है त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि ये लाइन ऊपर ही मिली नहीं पाएंगी, ठीक है। बराबर होता तो स्ट्रेट लाइन बना देती, मिलने के लिए जरूरी है कि जोड़ जो है दो छोटी भुजाओं को तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। चलो आगे बढ़े, तो यहां तक हमने समझा कि ट्राइंगल बनता कब है और कब नहीं बनता, अभी हमने इतना ही सीखा। आगे देखो, टाइप ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं, त्रिभुज होता कितने प्रकार का है, ठीक है, तो पहला त्रिभुज दो प्रकार का होता है, पहला भुजाओं के आधार पर और दूसरा होता है कोण के आधार पर, एंगल बेस्ड ट्राइंगल और
कोण बेस्ड ट्राइंगल, दो प्रकार के त्रिभुज होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का है, जो कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ये गड़बड़ लिख दिया भाई, ये आगे पीछे बनाने वाले स्लाइड ने गड़बड़ किया थोड़ा सा, तो थोड़ा सा भाई चेंज कर लेना, ठीक है ना, है ना। ये एंगल बेस्ड ट्राइंगल तो ये लिखे हैं और साइड बेस्ड ट्राइंगल ये लिखे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ये स्लाइड को आगे पीछे हो गया है भाई, मिस्टेक, इसको ऐसा समझ लो। तो ये एंगल बेस्ड है, ठीक है ना, एंगल बेस्ड, यानी कोण के आधार पर त्रिभुज जो होते हैं तीन प्रकार के हैं और ये है साइड बेस्ड, ठीक है। साइड के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के हैं, ठीक है। तो आप देखो, एक्यूट एंगल ट्राइंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज, कोण के आधार पर जो त्रिभुज है वो तीन प्रकार के, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, छोटी जानकारी है, आप जल्दी से इसको समझ सकते हो। ईच एंगल ऑफ ट्राइंगल लेस देन 90, कि कोई भी त्रिभुज अगर आप लेते हो जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, चाहे ए हो, एंगल ए हो, ए बी सी, चाहे एंगल बी हो, चाहे एंगल सी हो, सभी कोण जो रहेंगे वो 90 डिग्री से छोटे रहेंगे। कोई सा भी एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा तो निश्चित तौर पर ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। और जब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के क्या है कि कोई सा भी एक कोण, एनी एंगल, कोई सा भी एक कोण, जैसे 90 डिग्री की कंडीशन ये होती है, ठीक है। अब अगर मैं इस लाइन को पीछे धक्का मार दूं, ऐसे खींच दूं, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 90 डिग्री से बड़ा बन जाएगा, तो ये बन गया अधिक कोण, ठीक है। अब इन दोनों को मिला दो तो ये बन गया अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री से, कोई सा भी एक ही कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा, दो कोण 90 डिग्री से बड़े हो ही नहीं सकते त्रिभुज में, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, जो एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है, छोटी सी बात है, जल्दी से खत्म कर सकते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। अब पर्टिकुलर जब इन ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम टाइप ऑफ ट्राइंगल जस्ट बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं साइड, साइड बेस्ड ट्राइंगल क्या होते हैं, इक्विलेटरल, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जो भुजा ये है, जो भुजा ये है, जो भुजा ये है। फिर आता आइसोसेलेस, इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। एक त्रिभुज खींचिए, ये भुजाएं इस भुजा के बराबर है, दो भुजाएं बराबर, कोई सी भी दो भुजाएं बराबर, सम द्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, बराबर का मतलब बराबर, ठीक है ना, ठीक है ना, सम बाहु का मतलब भुजाएं, सही है, ठीक। सम द्विबाहु समांतर, समान भुजाएं, द्वि का मतलब दो, समान दो, बाहु का मतलब भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जो होता है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल, दो साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। अब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है, ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है, ठीक है। तो ये ऐसा त्रिभुज जो होता है वो स्केलन ट्राइंगल बनता है। तो कोण के आधार पर न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण, भुजाओं के आधार पर इक्विलेटरल, समबाहु, आइसोसेलेस समद्विबाहु और स्केलन जो होता है विषमबाहु, तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं, ठीक है ना। तो तीन भुजाओं के आधार पर, तीन कोण के आधार पर, कौन कौन से, ठीक है, समझ पाए, भुजाओं के आधार पर समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, इनके नाम पढ़ो तो ऐसा लगता है कि त्रिभुजों के नहीं राक्षसों के नाम है, बाहु, विषमबाहु, समबाहु, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसे किसी बच्चे ने जो किया था क्लास में, सर जब हिंदी में इनके नाम पढ़ते हैं समबाहु, विषमबाहु, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि त्रिभुज के बारे में नहीं राक्षसों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं, ये समझ गए आप, तीन भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के और कोण के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। अब एक कंडीशन ये आती है, आगे की बात ये है, इफ ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, यदि त्रिभुज की ए बी सी भुजाएं हैं और जिसमें सी लार्जर साइड है, तो ये बोला जाता है कि जब ए स्क्वायर प्लस बी ए सी स्क्वायर, सी यहां पर बड़ी भुजा, मैंने स्पेशल बोल दिया कि ए बी सी एक त्रिभुज की भुजाएं जिसमें सी बड़ी भुजा है, ठीक है, सी इज लार्जर साइड। और जब ये बोला जाता है कि सी जब बड़ा होता है ए स्क्वायर पी प्लस बी स्क्वायर से, तो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होता है, क्या, एक सम कोण त्रिभुज। और जब ये सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, सॉरी, तो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होता है। सी स्क्वायर की वैल्यू जब जो बड़ी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, और जब सी स्क्वायर की वैल्यू जब छोटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो न्यून कोण त्रिभुज। अब ये क्या है, अब देखो मैं एक छोटी सी बात आपको समझाता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा इसको भी विजुलाइज करना, अपने दिमाग में डालना, क्या है, क्या चीज़, क्या चक्कर है ये। आपको पाइथागोरस अंकल ने
एक प्रमेय दी थी, याद है? वो ये कहती थी कि मान लीजिए कि ए बी सी, तीसरी साइड को बड़ी साइड मान लिया, तो मान लीजिए ये सी है, बड़ी साइड इस तरफ रख ली, मैंने इसको सी बोल दिया, ठीक है, क्योंकि बोला स्पेशल इसमें मैंने लिखा है सी बड़ी है, तो जब सी बड़ी तो सी से ही मैंने तुलना की है, एक्चुअल में बात यह है, तो ये ए मैंने मान लिया और ये मैंने बी मान लिया। अब हमको ये पता है, पाइथागोरस ने हमको ये बताया है, जब सी स्क्वायर राइट एंगल का केस क्लियर केस है, जब ये होता है तो एक राइट एंगल ट्राइंगल अर्थात समकोण त्रिभुज बनता है, सही है? पहली बात, यही बात यहां लिखी है, ये पाइथागोरस का रिजल्ट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरी बात यह है कि अब इस चीज को ये बड़ा हो गया है, सी स्क्वायर अगर बड़ा हो जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से सी अधिक कोण त्रिभुज बन जाता है। अब इसको कैसे प्रूफ किया जाए, तो प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल वे से समझाना चाहता हूँ, ठीक है, आप मेरी बात को विजुलाइज करें तो आपको ऐसी ही बात समझ में आ जाएगी, ठीक है, इसको विजुलाइज करेंगे, इसकी फंक्शन देखोगे तो किताबों में कोसाइन रूल से इसको बताया गया, तो अभी मैंने बेसिक ज्योमेट्री स्टार्ट किया, ट्राइंगल की छोटी बात से स्टार्ट किया, मैं कोसाइन रूल लेकर ये मैं पहले ही लेक्चर में बताने लग जाऊँ आपको, तो फिर आपका दिल भी टूट जाएगा कि सर बेसिक बता के ये क्या पढ़ाने लगे, ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में विजुलाइज करा देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो, पहले लेक्चर में बहुत चीज़ें आसान हैं और आसानी से आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत धीमे धीमे करके मैं बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों को देने का भी प्रयास कर रहा हूँ, और एक क्लियरिटी आपके दिमाग में बनेगी निश्चित तौर पर, ध्यान समझो। दूसरा पॉइंट था ये, दूसरा, ध्यान सुनो। अब सुनो, पाइथागोरस ने हमको ये बताया कि जब सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हो तो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। अब मैं आपसे ये कहता हूँ, एक काम करो, मान लीजिए कि ए बी सी एक रबड़ का ट्राइंगल है, क्या मैंने बोला, फ्लेक्सिबल और रबड़ का ट्राइंगल है, मान लीजिए आपने सी स्क्वायर तीन लाइन से बनके एक ट्राइंगल बनाया आपने, मैं ये कहता हूं कि सी, एक काम करो इस लाइन को बाहर खींच लो, आपने बाहर खींच ली, निकाल ली, ठीक है, आपके पास ये ए है, ये बी है, और सी आपके पास, मैंने कहा बाहर खींच ली, आप बाहर निकाल लो उससे, ठीक है, निकाल ली। अब मैं कहा अब की बार एक काम करो, बड़ी सी से मैं आपको एक और बड़ी सी देता हूं, एक इससे भी बड़ी लाइन देता हूं, और वो लाइन इसमें जाके फिट कर दो, जाके और ट्राइंगल बनाओ। तो आप इस लाइन को लेके गए, उसके अंदर आपने इन दोनों पॉइंट्स में अंदर जबरदस्ती इसको, इसके अंदर जबरदस्ती इसको डाला, तो होगा क्या कि ये जो पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये बड़ी लाइन है, तो ये जो ट्राइंगल है जो कि ऐसा आपको स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है, ये ट्राइंगल निश्चित तौर पर ऐसा करके ऐसे फैलेगा, क्योंकि आप बड़ी छोटी रॉड की जगह बड़ी रॉड इसके अंदर लगा रहे हो ऐसे करके, तो ये ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, और ये बड़ी रॉड ऐसी फिक्स हो जाएगी, सही है? तो यहां पर हमने देखा जो सी की जो वैल्यू है वो बड़ी हो गई, पहले जो सी थी उससे भी बड़ी मैं ले आया, तो मैंने देखा जब मैंने इसकी तुलना में बड़ा सी लिया, जब ये बड़े बराबर की कंडीशन थी, लेकिन मैं इससे भी बड़ा सी लेके आया, तो सी स्क्वायर की वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी, तो जब ये बड़ी हो गई तो ऐसा कुछ त्रिभुज बन गया ये, मेरी बात समझे, क्योंकि सी पहले की तुलना में अब की बार बड़ा है, जो बड़ा है तो ये लाइन फैल जाएंगी और कुछ त्रिभुज इस प्रकार बन जाएंगे, 90 डिग्री से ऊपर हो जाएगा कोण, और ये बन गया आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल, जो कि ऊपर लिखा हुआ, यानी अधिक कोण त्रिभुज, सही है? ये कंडीशन क्या है, सी स्क्वायर बड़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ठीक है ना, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की कंडीशन, अधिक कोण त्रिभुज। अब तीसरा केस क्या है, न्यून कोण का, तो सेम चीज, अब आप खुद सोचो कि ए, जब सी की वैल्यू ए प्लस बी, सी स्क्वायर की वैल्यू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, तो समकोण। अब की बार मैंने क्या किया, मैंने कहा इस लाइन को निकाल लो, इससे छोटी लाइन लेके आओ, इस लाइन को मैंने निकाल के रख दिया, और इससे छोटी लाइन, अब की बार इससे छोटी सी आपके पास दे दी, यानी इस लाइन से छोटी लाइन आपको दे दी, और आपसे कहा ट्राइंगल बनाओ, तो आप क्या करोगे, आपके पास छोटी लाइन है, ठीक है, ठीक है, तो ये लाइन बड़ी बड़ी है, तो आप क्या करोगे, इसको मिलाने के लिए इसको ऐसे झुकाओगे, इसे ऐसे झुकाओगे, तो ऐसे क्या बनेगा, इस प्रकार का त्रिभुज बन जाएगा छोटा, ये ए है, बात समझे, ये लाइन सी है, ठीक है, अब ये स्टेट तब थी
जब ये सी थोड़ी सी बड़ी थी, ऑब्ट्यूज कब बन गई, ये और बड़ी थी, लेकिन जब ये 90 डिग्री से छोटे, ये 90 डिग्री का पॉइंट था, इसको ऐसे झुकाया इसको मिलाने के लिए, आप बात समझे, तो ये 90 डिग्री से छोटा एंगल बन गया, यानी ये क्या बन गया, ये अब की बार ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये बन गया आपके पास तीसरा पॉइंट, और यही है आपके पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी न्यून कोण। ये क्या कंडीशन है, व्हेन सी स्क्वायर इज लेस देन, क्योंकि सी स्क्वायर छोटी रहेगी ना ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, क्योंकि सी पिछले इसकी तुलना में की बार छोटी ली थी मैंने, तो ये छोटी है तो न्यून कोण त्रिभुज, जो कि ये लिखा है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज जो होता है, ठीक है, भुजाओं के आधार पर आपको पहचानना होगा कि कब समकोण बनेगा, कब अधिक कोण बनेगा और कब न्यून कोण बनेगा। तीन भुजाएं देकर आपसे पूछ लेता है कि क्या समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्या न्यून कोण त्रिभुज बन रहा है, क्या अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसके आधार पर एक छोटी सा क्वेश्चन ये कर दो, एक त्रिभुज की भुजाएं 6, 7 और 10 सेंटीमीटर हैं, त्रिभुज किस प्रकार का है, तो आपने कहा सबसे बड़ी साइड उठा लेते हैं 10 को उठाया, स्क्वायर किया, बाकी का 6 स्क्वायर और 7 के स्क्वायर को छोटी साइड को जोड़ा और देखा तो ये तो बन गया 100 और ये देखा 36 और 49, इसको जोड़ने पर 100 इससे बड़ा पड़ रहा है, बड़ा पड़ रहा है यानी ये बड़ा है, यानी सी स्क्वायर बड़ी भुजा बड़ी है इन दोनों से की स्क्वायर से, तो ये अधिक कोण त्रिभुज बनेगा और ये मेरा आंसर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। मेरी बात समझे, इन केस ये किसी कंडीशन में छोटा पड़ जाता, अगर कुछ भी भुजाएं हो सकती हैं, ये छोटा पड़ जाता, ये जोड़ है वो आगे निकल जाता, जैसे कि मैं आपके सामने लेता हूं 13, 14 और 15 सेंटीमीटर, बताओ अगर त्रिभुज की ये भुजाएं हैं तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा, तो आप कहेंगे बड़ी भुजा का जोड़ देखा, ठीक है, आपने कहा छोटी भुजा का जोड़ देखा और बड़ी उससे बड़ी भुजा का जोड़ देखा, आपने कहा ये 225 आया, ये 169 आया, ये 196 आया, आपने देखा कि इन दोनों का जोड़ूंगा तो इससे बड़ा निकल जाएगा, यानी जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग इससे छोटा पड़ गया, आपकी बार छोटा पड़ गया तो ये क्या सा त्रिभुज बन जाएगा, ये न्यून कोण बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, एक्यूट एंगल, यानी न्यून कोण त्रिभुज। मेरी बात समझ पाए, समझे बात को, क्लियर है, छोटी सी बात है। और इन केस अगर मैं आपके सामने साइड लेता हूं 5, 12 और 13, अब कैसा त्रिभुज है, तो आपने देखा सबसे बड़ी भुजा उठा लीजिए 13 का, इसका वर्ग कीजिए, 5 का वर्ग कीजिए और बाकी, अब क्या यहां देखा 169 आया, यहां देखा 25 आया, यहां देखा 144 आया, मैंने देखा ये 169 है, मैंने इधर भी देखा ये भी 169 है, अर्थात बराबर है, बराबर है तो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। छोटी सी बात है, आप बात समझ गए होंगे, कहानी क्या है, ये कंडीशन क्या है, अधिक कोण ऑब्ट्यूज की, अधिक कोण की, ये न्यून कोण की और समकोण की, ठीक है ना, सही है इतनी बात। लेकिन इससे पहले भी एक बात हमने सीखी कि त्रिभुज बनेगा भी कि नहीं बनेगा, ठीक है, वो भी देख लेना चाहिए, ठीक है, वो तब देखना चाहिए जब ऑप्शन में ऐसा कुछ हो कि त्रिभुज संभव नहीं है, तो आप देख लो जो भुजाएं देगी उसे बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, कि फालतू में ऐसे करे जा रहे हो, ठीक है, सही है। मान लो आपके सामने ऑप्शन दे दिए कि 3, 4 और 9 से त्रिभुज बनाइए, बताइए किस प्रकार का त्रिभुज है, आपने देखा नहीं, आपने कहा 9 का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर से बड़ा पड़ रहा है, अधिक कोण है, और आपने ये नहीं देखा कि इन दोनों का जोड़ इससे छोटा पड़ा, त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो कहने का मतलब जब नहीं बनेगा तो ऑप्शन में होगा कि नहीं बनेगा कि बनेगा, ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार का होगा नहीं बनेगा तो देख लो बन भी रहा है कि नहीं, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन ही नहीं है त्रिभुज नहीं बनेगा या पतित यानी डीजनरेट ट्राइंगल का, तो हमारे पास जो ऑप्शन है इसका मतलब त्रिभुज बन ही रहा होगा, ठीक है, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। इस तरह सवाल को करो, एक त्रिभुज की भुजाएं आपको दी गई हैं, आपकी बार x²-1, देखो x²-1 है ये, 2 ऊपर है ना, x²-1 जैसे ऊपर से ही लिखा हुआ है, ये x²+1 है और ये 2x है, ये तीन भुजाएं मैंने क्लियर यहां से लिख दिया, ठीक है। अब आपसे पूछा है त्रिभुज किस प्रकार का, इसमें भुजाएं नहीं दी गई, मतलब नंबर में नहीं दिया गया, इसमें वेरिएबल के टर्म में एक्स वेरिएबल इसमें डाल दिया, आप जानते हो सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन सी होगी, तो आप कहेंगे x²+1, आपने कहा x²+1, ठीक है, फिर x²-1 और ये क्या है 2x, अगर इन दोनों का वर्ग करके छोटी भुजाओं का वर्ग करके देखो क्या बन रहा है, तो मैंने यहां देखा ये x²+1 है, ठीक है, और जब मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो x की
अच्छा इसको स्क्वायर भी तो करना है, तो मैंने देखा इसका x की पावर 4 आ रहा है, प्लस 1 आ रहा है, प्लस 2x स्क्वायर आ रहा है। यहाँ देखा तो x की पावर 4 आ रहा है, प्लस 1 आ रहा है, माइनस 2x स्क्वायर आ रहा है, प्लस 4x स्क्वायर है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बन रही है। ठीक है, तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा? ठीक है, इन दोनों का जोड़ क्या ये बराबर है, क्या ये नंबर बराबर है इसके, ये मुझे देखना है। तो आपने कहा बिल्कुल बराबर है, क्योंकि ये देखा एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा इन दोनों को देखो जरा, ये क्या बन गया, एक्स की पावर 4 प्लस 1, ये भी प्लस 2x स्क्वायर हो गया, क्योंकि माइनस का 2x स्क्वायर है और प्लस का 4x स्क्वायर, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू एक जैसी है, यानी ये बराबर है, ये बराबर है, तो समकोण है, बात खत्म। ठीक है ना, क्लियर बात। अच्छा, ऐसा कभी नंबर आए ना, तो मैं एक सलाह और आपको देता हूँ, वो सलाह ये है कि आप वेरिएबल के टर्म में दे देगा ये, लेकिन आप वेरिएबल को मानना नहीं चाहो तो क्या करोगे, तो आप एक्स की जगह पर कोई अपनी तरफ से कोई नंबर डाल दो, जैसे कि ये नंबर मुझे दिया गया, तो मैं एक्स की जगह पर मैं 2 ले लूँ अगर, क्योंकि अगर 1 लूँगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 2 ले लेता हूँ, क्योंकि भुजाओं तो मुझे बतानी पड़ेगी ना, तो एक्स की जगह पर मैंने मान लिया 2, मैंने अपनी तरफ से मान लिया 2, तो ये क्या बना, अब मेरी बात कैसे समझो, तो क्या बनेगा ये, आप कहेंगे ये बन गया साहब 2 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 3 बन गया, 4 माइनस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 1, 5 बन गया, 2 गुणा 2 क्या बन गया, 4, 3 4 5 क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, क्लियर तरीके समझ में आ रहा है, 3 4 5 का ट्रिपलेट भी होता है, तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। 5 का स्क्वायर बराबर होता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के, 25 इधर भी 25 बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो कहने का मतलब, कभी भी अगर ये कहीं दिक्कत कर रहा हो ना आपको, कहीं ऐसा सवाल दिया गया, तो उसके अंदर अपने आप से नंबर डाल दो और फिर देखो त्रिभुज किस प्रकार बन रहा है। नंबर की वो सवाल आपको ऐसा नहीं देगा, नंबर की फॉर्मेशन में नहीं देगा, जैसे यहाँ लिखा था, वो एक्स वाई की टर्म फॉर्म वेरिएबल के टर्म में जब घुमाएगा तो आप उसको घुमा दो, अब एक्स की जगह पर अपनी तरफ से कोई नंबर, छोटा नंबर डाल दो और उसको नंबर की फॉर्मेशन में ले आओ, फिर देख लो अगर ऐसा नहीं बनता तो। बात समझ पा रहे हो, जैसे कि मैंने ये काम किया। ठीक है, आगे बढ़े। अब बात आती है भुजाओं के आधार पर, हमने देखा कि 3 भुजाएं दी गई, त्रिभुज किस प्रकार का है, लेकिन अब कोण के आधार पर भी त्रिभुज किस प्रकार का है ये देखो। तो यहां पर त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर होता है तो त्रिभुज समकोणीय होता है। निश्चित तौर पर समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो निश्चित तौर पर त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ 180 होता है। जब सभी कोणों का जोड़ 180 होता है तो इन दोनों का जोड़ जो बाकी 2 बचे इनका जोड़ भी 90 ही होना चाहिए। तो क्या डेफिनेशन है कि जब 2 कोणों का जोड़ तीसरे कोण के बराबर आए, और केवल वो राइट एंगल ट्राइंगल ही की कंडीशन में हो सकता है, बाकी नहीं होगा। ठीक है, तो 2 कोणों का योग अगर तीसरे कोण के बराबर आए जैसा कि यहां पर, तो त्रिभुज समकोण हो गया, क्योंकि एक 90 डिग्री तो आपने फिक्स कर दिया, तो बाकी के 2 बचे जो एंगल है उसका जोड़ भी 90 डिग्री होगा। तो 2 कोणों का जोड़, 2 कोणों का जोड़ या 2 छोटे कोणों का जोड़ तीसरे कोण के बराबर आए तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ, द सम ऑफ 2 एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू द 3rd एंगल, देन द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। समझ में आ गई होगी बात। दूसरे पॉइंट में बोला है कि 2 कोणों का योग तीसरे कोण से छोटा होता है, तो छोटा होता है तो अधिक कोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, और ये कब होगा, ये केवल इस कंडीशन में होगा, मान लीजिए कि एक त्रिभुज मैंने बनाया और ये मान लीजिए 110 डिग्री का एंगल है, ये मान लीजिए कि 50 डिग्री का एंगल है, तो 110 और 50 160 हो गया, तो ये BC डिग्री का बचा। अब इन दोनों का जो जोड़ है वो तीसरे से छोटा पड़ गया, तो कैसा हो गया, अधिक कोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, यानी निश्चित तौर पर जब एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा ही निकल गया तो बाकी का 2 जो कोण का जोड़ 90 डिग्री से छोटा ही होगा। ठीक है, ठीक है, तो वो एक तो 90 से ऊपर है और 2 बाकी को दोनों जोड़ने पर 90 से छोटे पड़ गए, तो निश्चित तौर पर जो बड़ा वाला एंगल है उसका जोड़ 2 छोटे एंगल से बड़ा हो गया, जब बड़ा हो गया तो अधिक कोण त्रिभुज बन गया। ठीक है ना, यही बात है। अब ये देखो, त्रिभुज के 2 कोणों का योग यदि तीसरे कोण से बड़ा होता है तो त्रिभुज न्यून कोणीय होता है। 2 कोई से भी 2 कोण, जैसे कि एक त्रिभुज मैंने बनाया यहाँ पर, अब आप इसके एंगल मान लो ये 50 डिग्री है, मान लो ये 60 डिग्री है, और मान लो ये 70 डिग्री है, एक त्रिभुज बन गया। अब कोई से भी 2 कोण जोड़िए,
जैसे इन दोनों को जोड़ूं 50 और 60 को तो 70 से बड़ा 70 और 60 को जोड़ूं तो 50 से बड़ा 50 और 60 को जोड़ूं 60 से 50 और 70 को जोड़ूं तो 60 से बड़ा। कोई से भी दो कोण अगर तीसरे कोण से बड़े निकल जाते हैं त्रिभुज क्या है, न्यून कोण त्रिभुज बनता है। ऐसा कोण त्रिभुज होता है, न्यून कोणीय त्रिभुज होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है, छोटी सी बात थी। कोण के आधार पर त्रिभुज क्या है, तीन प्रकार के, ठीक है, आपने देखा और किस तरह से डिफाइन करते हैं। एक छोटी सी बात और यहाँ पे समझ लेना कि एक त्रिभुज जब फॉर्मेशन होती है तो उसमें जितना बड़ा एंगल होता है उसके उसके सामने वाली भुजा उतनी ही बड़ी होती है, ठीक है। जैसे कि मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, इसी एग्जांपल को, जैसे 50 डिग्री है, एक 60 डिग्री है और 70 डिग्री है, और मैंने ये ए बी सी एक त्रिभुज बनाया। मैंने कहा कौन सी साइड बड़ी होगी, ए बी बड़ी होगी, बी सी बड़ी होगी, सी ए बड़ी होगी। तो आपने कहा 70 डिग्री ये है, ए बी सबसे बड़ी साइड होगी, बी सी से भी बड़ी होगी, ए सी से भी बड़ी होगी। उसका कारण केवल ये है कि भाई एंगल कैसे बनता है। मान लीजिए कि ये एंगल बन रहा है ऐसे ऐसे करके, ये 90 डिग्री एंगल है। अब जितना एंगल का फैलाव कम होगा, अब त्रिभुज बनाने के लिए क्या होगा कि इसको इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट को मिलाना पड़ेगा, त्रिभुज बनेगा। अब जितना फैलाव कम होगा तो भुजा छोटी होगी, जितना फैलाव बड़ा होगा तो इन दोनों को मिलाने के लिए उतनी बड़ी भुजा हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप ऐसे देखो कि जब इन दोनों के बीच में जितनी दूरी आप रखोगे उतना ही एंगल बढ़ जाएगा, यानी फैलाव बढ़ जाएगा कंपेरेटिवली इसके। और दूरी रखोगे तो और फैलाव बढ़ जाएगा, और बड़ा एंगल हो गया। और दूरी रखोगे तो और फैलाव बढ़ जाएगा, और बड़ा एंगल हो गया। मेरी बात समझे? तो जितना बड़ा एंगल उसके सामने वाली भुजा उतनी ही बड़ी होती है। ये बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे देखिए, इस सवाल को देखिए क्या बोलता है कि भाई एक त्रिभुज के का प्रत्येक कोण दूसरे कोण के योग दूसरे दो कोणों के योग से कम है तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा। जब कोई कोण कोई योग कोई एंगल है वो अगले दो कोणों के योग से कम पड़ रहा है, कम है ना, कम है, तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा, निश्चित तौर पर क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। अभी समझा हमने, ठीक है, कोई सा भी न्यून कोण त्रिभुज हो सकता है, ठीक है, यानी एक्यूट एंगल ट्राइंगल लेस है ना। अच्छा, एक यदि त्रिभुज का एक कोण दूसरे को दूसरे दो कोणों के योग से अधिक है, मोर देन हो गया, तो कैसा हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल अधिक कोण त्रिभुज हो गया। आगे देखो, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 17, 23 और 51 है, त्रिभुज किस प्रकार का होगा। यह अनुपात में दे दिया गया। हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर 180 को इस अनुपात में तोड़ा जाए तो आपको पता लग जाएगा ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, यानी 180 का कितना भाग पहले वाले के पास गया, 180 का कितना भाग दूसरे वाले के पास जाएगा, 180 का कितना भाग तीसरे वाले के पास जाएगा। तो निश्चित तौर पर अगर मैं यहां पर ये देखता हूं, और ये चीज हम जानते हैं कि कब अधिक कोण की कंडीशन कब समकोण की कंडीशन होती है, तो हम ये देखते हैं कि इन जैसे ये अनुपात मुझे दिया गया है तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं 17 और 23 को तो मैं देख रहा हूं ये 40 हो रहा है, तो ये तीसरे एंगल से यानी 51 से छोटा पड़ रहा है, यानी 40 के हिस्से में 180। अब दोनों का जोड़ यानी एंगल के एक ट्रायंगल के जो दो एंगल हैं उसके जोड़ में 180 का कुछ भाग गया और एक भाग 180 का 51 के पास रहा, तो 51 के पास रहने वाला भाग ज्यादा है, ज्यादा है तो निश्चित तौर पर जो एक एंगल है वो बाकी के दो एंगल से बड़ा पड़ गया, बड़ा पड़ गया तो बन गया अधिक कोण त्रिभुज। बात इतनी खत्म, समझे बात को। 180 का ही जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होना है इन तीनों में, ठीक है। अब ये किस अनुपात में होगा, कितना डिग्री में जाएगा, करेक्ट में तो पूरे मतलब इंटीजर पार्ट में जाएगा नहीं, पॉइंट्स में जाएगा, ठीक है, कि 17, 23, 40 और 51 यूनिट बराबर क्या है, 180 तो एक यूनिट बराबर 180/51 तो पॉइंट्स में आया, फिर 17 यूनिट की वैल्यू क्या, 23 की यूनिट वैल्यू क्या, वो निकालने की जरूरत नहीं है। आप केवल इतनी बात से समझ लो कि 180 का कुछ भाग गया 17 के पास, कुछ भाग गया 23 के पास, कुछ भाग गया 51 के पास, निश्चित तौर पर जो भाग ज्यादा बड़ा है उसके पास ज्यादा भाग 180 का पहुंच जाएगा। तो कंपैरेटिवली हमने देखा दो छोटे एंगल को जोड़ा उसके हिस्से में 180 का भाग जाएगा, यानी इसके 40 भाग रहे और इसके पास 51 भाग कुल मिलाकर है, तो 180 का अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इस एंगल के पास इन दोनों की तुलना में ज्यादा पहुंच जाएगा, यानी ये एंगल बड़ा निकल जाएगा इन दोनों की तुलना में, ठीक है। तो इन दोनों के जोड़ से बड़ा एंगल निकल गया तो अधिक कोण त्रिभुज बन गया, यही बात समझाई गई थी, छोटी सी बात है, ठीक है ना। और इन केस कम निकल गया, ये इन दोनों का जोड़ जो है इससे कम था तो अधिक कोण, अगर ये वाला बड़ा वाला चीज जो है बड़े वाला जो एंगल अभी आप बोल रहे हो अगर ये छोटा बढ़ गया तो न्यून कोण बन गया, बात खत्म।
तो जैसे ही बस इतनी बात यहां पकड़ लो, इन दोनों का जोड़ देखा, इससे छोटा ये वाला जो बड़ा वाला है इन दोनों के जोड़ से छोटा पड़ गया, यानी जो इन दोनों के पास जो है इसका ज्यादा 180 का ज्यादा हिस्सा पहुंच जाएगा और इसके पास कम रह जाएगा, इन दोनों यानी दो एंगल के जोड़ से कम रह गया तीसरे वाले के पास, जिसको आप बड़ा बोल रहे थे वो बड़ा नहीं रह गया एक्चुअली में, ठीक है, एंगल तो बड़ा है लेकिन इनके जोड़ से जो है वो छोटा हो गया, ठीक है। तो ये क्या कंडीशन जो है आपके पास न्यून कोण की, तो आपको सिंपल सी इतनी बात देखनी है, ये आप पास जो एंगल दिए गए आगे से यही देखना कि छोटे वालों को जोड़ देखो, इससे छोटा इससे बड़ा निकल जाए तो न्यून कोण बनेगा, और इन दोनों का जो जोड़ देखो इससे अगर छोटा निकल जाए तो अधिक कोण बनेगा, क्योंकि इस कंडीशन में ये अधिक कोण बड़ा एंगल बना रहा होगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में एंगल तो ये बड़ा बनेगा लेकिन ये 90 से ऊपर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि 90 बनाने के लिए एग्जैक्ट 180 का आधा भाग इधर जाना चाहिए और आधा भाग इधर जाना चाहिए, तब 90 डिग्री का एक एंगल बनेगा, ठीक है। लेकिन आधा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, आधे से ज़्यादा इधर पहुंच जा रहा है, तो इसके हिस्से में 90 डिग्री से छोटा मान रह गया, ये 90 डिग्री से छोटा हो गया जिसको आप सबसे बड़ा बोल रहे थे, तो न्यून कोण त्रिभुज बन गया, इतनी सी बात है, सही है। चलिए आइए इस सवाल पर, इसमें क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हैं और तीसरी भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, कौन सा कथन सत्य है, ये इसको अभी एक मिनट के लिए गोली मार दो और मेरी बात को सुनो जरा, ठीक है। हम जानते हैं कि त्रिभुज बनता किस तरह से, फॉर्मेशन हमको अच्छी तरह से मालूम है, एक साइड दी गई है 4 सेंटीमीटर, एक साइड दी गई 10 सेंटीमीटर, एक साइड दी गई 1 सेंटीमीटर। अब ए तो वेरिएबल है, ए कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 1, 2, 3, 4 कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन हमको बनाना है इन्हीं से मिलकर एक त्रिभुज, तो ए की वैल्यूज क्या होनी, क्या क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, इसको समझो। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं, क्या ए जो है वो 4 से छोटा हो सकता है क्या? तो आपने कहा कि 4 से छोटी वैल्यू 1, 2, 3 ऐसा कुछ नंबर हो सकता है क्या? तो आप जरा सोच के देखो, अगर 3 हो 4 हो 10 हो क्या त्रिभुज बनेगा इससे? सोचो पहले, थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करो, दिमाग लगाओ थोड़ा, ठीक है, बाद में इसके आंसर की बात, आंसर कुछ नहीं है इसका, आंसर मैं एक मिनट सेकंड में बता दूंगा, लेकिन आप सोचो जरा पहले जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं उस पर, क्या त्रिभुज बनेगा? ठीक है, तो आप कहेंगे इन दोनों का जो जोड़ जो है उससे छोटा रह गया त्रिभुज नहीं बनेगा, जोड़ जो है छोटी भुजाओं को बड़ी भुजा से बड़ा निकलेगा, जब तीनों साइड दी गई तो बड़ी भुजा को बेस माना कीजिए, तीनों को चेक करने की जरूरत नहीं होती है कि ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, इससे बड़ा, ऐसा नहीं, जब तीनों साइड दी गई तो बड़ी भुजा को बेस मान लो और बाकी दो भुजाओं को जोड़ो, उससे बड़ा निकल गया तो त्रिभुज उसके ऊपर मिल जाएगा, मतलब भुजाएं ऊपर मिल जाएंगी, बात खत्म हो जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। तो इन दोनों का जोड़ 10 से छोटा हो गया, त्रिभुज नहीं बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं मान लो 4 ही रख लेता हूँ, ये को कि 4, 4, 10 से बनेगा, 4 और 4 को जोड़ 8, 8, 10 से छोटा पड़ गया, त्रिभुज नहीं बनेगा। ए कहाँ रखना चाहिए? ए निश्चित तौर पर 4 और 10 के बीच में कहीं हो सकता है क्या? इन दोनों के बीच में कहीं आ सकता है? तो जरा देखो, जब इन दोनों के बीच में आएगा उस कंडीशन में 10 सबसे बड़ी साइड हो जाएगी, तो 4 मैंने ये तो फिक्स्ड है, अब ए ये है, तो निश्चित तौर पर इन दोनों का जोड़ इससे बड़ा होना चाहिए। तो इन दोनों का जोड़ जो है, मान लीजिए कि ये ए अगर 6 है, ए अगर मैं 6 रखता हूँ तो उस कंडीशन में डी जनरेट फॉर्म बन जाएगी, यानी त्रिभुज अस्तित्व में आ जाएगा लेकिन वो जो है हमारे काम का नहीं होगा। तो हमारे काम वाला जो त्रिभुज होगा वो कब होगा? जब ए की वैल्यू 6 से बड़ी होगी। तो एक कहानी यहाँ से समझ में आ गई, एक मान 6 से बड़ा होना चाहिए कुछ भी हो, अगर ए 4 और 6 के बीच में है। दूसरी बात, क्या इस ए को 6 से आगे रख सकते हैं? पहले तो मैंने यहाँ ही रख दिया, अब इसको उठा के क्या मैं यहाँ रख सकता हूँ ए? तो आपने कहा चेक करते हैं, उस कंडीशन में आपने ए को बेस माना, आपने कहा ये 4 है, आपने कहा ये 10 है, आपने बनाना है त्रिभुज। अब आप 4 और 10 को तो हिला नहीं सकते, आपको 10 को ही, ए को ही छोटा मोटा करना पड़ेगा, क्योंकि यही वेरिएबल वाला टर्म है, ये तो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है 4 और 10। अब बात ये है कि साहब ये बनेगा कब? इन दोनों का जोड़ इससे ज्यादा होना चाहिए, जैसे इन दोनों का जोड़ 14 है तो 14 ए से ज्यादा होना चाहिए, या मैं कहूं ए 14 से कम होना चाहिए। बात समझ में आ गई, ए 14 से कम होना चाहिए। तो एक बात यह आ गई कि ए जब इस रेंज से बाहर लिखोगे, सबसे बड़ा ए लोगे, तो ए की जो वैल्यू है वो 14 से कम आएगी। तो आपको बात यह समझ में आई कि ए की जो वैल्यू है वो 6 से तो बड़ी होगी लेकिन 14 से कम होगी। मेरी इस पॉइंट को समझ पाए? तो जो मेरा आंसर है वो ये है, ठीक है, मेरी बात समझ पाए? मेरा आंसर है वो ये है।
क्लियर पॉइंट। तो अगर आपको कहीं से भी तीन साइड दी जाए तो ट्राइंगल को चेक करना है कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं, तो तीनों साइड को चेक करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि अगर मैं कहूं ये चार है, छह है और मान लीजिए नौ है कि त्रिभुज बनेगा, तो आप देखो सबसे बड़ी भुजा को बेस मान लो, इन दोनों को जोड़ो, क्या इससे बड़ा बन रहा है? यस बन रहा है, त्रिभुज बन जाएगा, बात खत्म कर दो। ये नहीं कि पहले मैं इसको इसको भी जोड़ूं, इसको भी इसको देखूं इससे बड़ा है, फिर इन दोनों को जोड़ो इससे बड़ा, ऐसे नहीं देखने की जरूरत होती है। सबसे बड़ी साइड को बेस मानो, और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसे सोचो, सबसे बड़ी साइड को बिछा दो, उसके ऊपर बनाओ। बात समझ में आ रही है? क्लियर पॉइंट। चलो ठीक है, अब ये पूरी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो इस सवाल को पता कैसे करना होता है? इस सवाल को बस ऐसे ही करना होता है, खत्म करना होता है, वो ऐसे करना होता है, एक त्रिभुज के दो भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 10 है। पूरी कहानी आपको समझ में आ गई? जब समझ में आ गई तो उसको एक मिनट के लिए छोड़ दो, सब बात को जो मैं अब बोल रहा हूं उसको समझो। 4 और 6 का डिफरेंस देखो, 6 एक वैल्यू आ गई, 6 4 और 6 को जोड़ो तो क्या आ गया? 14, एक वैल्यू आ गई 14। ये ए जो है ना भाई साहब, वो इसी रेंज में घूमेगा 6 और 14 के, बात खत्म। इतने से पॉइंट पे आप लोग, इन दोनों का अंतर देखो 6, इन दोनों को जोड़ देखो 14, इस पर टिक लगा दो, बात खत्म, इस पे बीच में रहेगा। ठीक है, अब यहां से कुछ अच्छे लेवल के सवाल स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ अच्छे कंसेप्ट स्टार्ट हो जाते हैं। कि जैसे कि आपको एक त्रिभुज की तीन भुजाएं देकर, ये तो आपको पता लग गया कि कब आपको पहचानना है कि त्रिभुज किस प्रकार का है, वो आप पहचान लोगे। लेकिन कभी ये पूछ देगा कि एक पेरीमीटर दे देगा, परिमाप दे देगा, परिमाप दे देगा, पेरीमीटर, और एक परिमीटर मान लीजिए परिमाप दे दिया गया 50 सेंटीमीटर, एक त्रिभुज का परिमाप 50 सेंटीमीटर है। तो अब त्रिभुज जो है कितने प्रकार का त्रिभुज बन सकता है? एक परिमाप, एक या मैं बोलूँ एक परिमाप जो है 50, परिमाप समझते हो ना, टोटल एक लाइन की लेंथ 50 सेंटीमीटर है। अब आप इसको तोड़ मोड़ के कितने ट्राइंगल बना सकते हो? ठीक है, और इन त्रिभुजों में भी आप कितने समबाहु बना सकते हो, कितने समद्विबाहु बना सकते हो, कितने आप समकोण त्रिभुज बना सकते हो, बहुत सारी बातें हैं अभी सब सिखाने को। तो ये एक अलग सेक्शन है, इसका लेवल थोड़ा सा इससे ऊपर रहेगा। ठीक है, तो अभी आप केवल इतनी बात को यहीं पे खत्म करो जितना हमने सीखा। आगे कुछ है क्या? आगे दूसरे टाइप के सवाल स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। और जितनी बातें आज समझाई गई, आज मैंने बहुत बेसिक से सारी चीज़ों को समझाया। ठीक है, अगर आपने पूरी बात को सुना है, समझा है, अपने तरीके से कॉपी पर नोट कीजिए, चीज़ों को समझिए, वीडियो को देखिए, पॉज कीजिए, लिखिए। ठीक है, जो नहीं समझ में आ रही बात तो मेरे नंबर पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है ना, मेल आईडी पर मेल कर सकते हो। ठीक है, जो भी है, तो आज के इस लेक्चर में मैं इतने रखूँगा। ट्राइंगल का एक और बेसिक पार्ट दूंगा मैं कल के वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो अभी इतना ही रखिए, मिलेंगे आगे वाले कल के लेक्चर में, और धीरे धीरे करके चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। देखिए कितनी चीज़ें सरल होती चले जाएंगी आप लोगों के लिए, लेकिन एक तरीके से लिखते चले जाइए अपने कॉपी पर। फिर देखिए जब ये कंप्लीट होगा, मतलब कोई सा भी जैसे ट्राइंगल स्टार्ट किया, ट्राइंगल कंप्लीट होगा तो आपके पास सब कुछ होगा। ठीक है ना, चलिए आज के इस लेक्चर में इतने रखूँगा, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, थैंक यू।